जो घोषणा हुआ उसके बाद वो बोला है कि ये जो हर दफा हो रहा है गुस्सा है क्योंकि असम और तमिलनाडु और ये वहाँ पे एक और तीन दफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है एक सवाल। उनको तो लज्जा आना चाहिए, इसके लिए उनको पदत्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री स्तर से, क्योंकि भारत की जनता समझ रही है कि यहाँ लूट होता है। इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि यहाँ लूट होता है, तभी तो ये हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो किसी के कहने पर नहीं करता, वो पूरा रिपोर्ट लेके ये करता है कि किस तरह से पिछला इलेक्शन में उनके लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, खून हुआ है, मारा गया है, घर जलाया गया है, माँ के सामने बेटे की हत्या की गई है। तो सब सोच समझ के इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है, और जब उन्होंने काम कर ही दिया है बंगाल में, लोग खुशहाल हैं, उन्हीं को सब चाहते हैं, तो फिर चुनाव लड़ने में और उनको 8 दफ़ा हो या 16 दफ़ा हो उनको क्या आपत्ति हो। ये भी आरोप है कि अमित शाह और मोदी जी के परमिशन में और सजेशन में वोटर लिस्ट। देखिए, वो जो गंदगी करती हैं अधिकारियों के साथ, वो समझती हैं कि लोग भी उसी तरह का गंदगी करते हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल के कुछ अधिकारियों को अपना एकदम नौकर बना के रखी हैं, उसी तरह दूसरे के बारे में सोचती हैं। भारतवर्ष संविधान के तहत चलता है, देश के नेता प्रधानमंत्री जी संविधान के तहत चलते हैं, उनकी तरह अपना जागीर नहीं बनाते हैं। और एक सवाल कि सौभूमि ने कल रात पब्लिसिटी जो बयान है बीजेपी का, 7-8 बयान को तोड़फोड़ किया है, इससे ममता बनर्जी को शिक्षा लेना चाहिए कि बोल रहे हैं कि 8 बार में चुनाव क्यों हो रहा है और हमारे प्रचार के गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, अभी भी शर्म नहीं लग रहा है उनको।9051-463-77 চট করে চলে এসো বন্ধুরা।